हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ कि यूएन नंबर को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि यूएन नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको इस वीडियो में यही पता चलेगा यूएन नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में आप लोग को बताऊँगा केवाईसी कैसे की जाती है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है, जल्दी से मैं क्रोम में चलता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ यूएन एक्टिवेट कैसे किया जाता है। दोस्तों सिंपल सा मैंने क्रोम ओपन कर लिया है, यहाँ गूगल पे आपको सिंपल से टाइप करना है EPFO, उसके बाद आपको इंटरप्रेस कर देना है। मैंने इंटरप्रेस कर दिया, ऐसा इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लिख क्या रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये EPFO की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पर आएंगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज लिख के आएगा, इसमें ऑनलाइन जो भी सुविधा है EPFO में वो आपको शो करेगा। ये EDLI एंड पेंशन कैलकुलेशन करना है, जो भी आपको देखना है। इंटरनेशनल वर्कर पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे जैसे कोई भी नई चीज़ें आ रही हैं व्हाट्स न्यू वो अपडेट होता रहता है, आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं कुछ नया क्या आया है EPFO में। यहाँ पे नई स्कीम जो भी आती है आपको वहाँ से होगा। यहाँ पे अबाउट अस अब EPFO के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ यूएन एक्टिवेट किया। यहाँ ऑनलाइन क्लेम मेंबर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको शो करने लगेगा। अब आप जब लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे आके लॉगिन करते हैं जब KYC के लिए, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको एक्टिवेट करना बताता हूँ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लिंक करके होगा, यहाँ पे एक्टिवेट यूएन लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखिए एक्टिवेट योर यूएन, यहाँ एक्टिवेट योर यूएन लिखा हुआ है। यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, मेरे पास एक यूएन नंबर है, मैं इसमें इनपुट करता हूँ यूएन नंबर को जल्दी से। देखिए मैंने इसमें इनपुट कर दिया नंबर को, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है एम्प्लॉय का। अगर आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहे हैं तो अपना सारी डिटेल एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में एरर आ सकता है, इसलिए आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। और सेकंड चीज, उसके बाद यहाँ पे हमको नाम डालना है, ये हमेशा ध्यान रखिए जो नाम आप डालेंगे वो आधार में एकदम सेम होना चाहिए। एकदम सेम टू सेम यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। यहाँ पे मैंने जिसका यूएन नंबर है उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, 7 मार्च 2000। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है हमको एम्प्लॉय का, या अगर आप अपना एक्टिवेट कर रहे हैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर देते हैं, AUV, एक बार चेक कर लेते हैं 6YAUV। आपको सारी डिटेल एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे मैं 9654429 चेक कर लेना, देखो इसमें। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे गेट ऑथराइजेशन पिन इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद देखिए ऐसा ओपन हो गया, यहाँ पर लिखा है OTP हैज बीन सेंड टू आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 सब लिखा हुआ है। तो मैं OTP डाल देता हूँ 7278 05, और यहाँ पे गेट OTP ऑथराइजेशन पिन पे एक्टिवेट UN पे क्लिक कर देता हूँ। योर UN हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये काइंडली चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड एंड पासवर्ड फंक्शनली अकाउंट सक्सेसफुल लॉगिन।
ये कह रहे हैं कि अपना यूएन आपका पासवर्ड आपको नंबर भेज दिया गया, आप जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि टोटली यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि हम उस पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में टोटली बताऊँगा। तो अगली वीडियो मैं आपको जब लेकर आऊँगा कुछ दिन में ही आ जाएगा अगली वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे फॉरवर्ड करके न्यू पासवर्ड जनरेट करते हैं और KYC कैसे करना है, अपनी डिटेल्स में फिल कैसे करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।